विकास पुरुष सुधीर भाऊंच्या उमेदवारीचे बल्लारपूर शहरात भारतीय जनता पार्टीतर्फे स्वागत. अब की बार 400 पार असा नारा देत भाजपचे कार्यकर्ते. बल्लारपूर राज्य रिपोर्टर. नुकतीच महाराष्ट्र राज्याचे वने सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री विकास पुरुष सुधीर मुनगंटीवार यांची चंद्रपूर लोकसभेसाठी भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, RPI महायुतीचे उमेदवार म्हणून घोषणा झाली. सदर उमेदवारीचे बल्लारपूर शहरात फटाके फोडून स्वागत करण्यात आले. उमेदवारीची घोषणा होताच स्थानिक कार्यकर्ते माननीय श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाजवळ एकत्रित झाले. यावेळी भाजप ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष हरीशभैया शर्मा, भाजपचे शहर अध्यक्ष काशीनाथ सिंह, वैशाली ताई जोशी, संजय मुप्पेडवार, गुलशन शर्मा, छगन जुलमे, देवेंद्र वाटकर, सतीश कनकम, किशोर मोहुर्ले, अरुण वाघमारे, घनश्याम बुरडकर, राजेश शहा, स्वामी रायवरम, कुंदकुरी श्रीनिवास, राजू दासरवार, ओमप्रकाश प्रसाद, अरुण मोगरे, सुरेंद्र खडका, कैलाश गुप्ता, प्रमोद रामिल्लावार, हरिलंका, शुभम बहुरिया, राजेश कैथवास, मनीषा पोळशेट्टीवार, दीपक कांचल्लावार, प्रशांत दारला, संजय प्रसाद, गुड्डू साहू, रिंकू गुप्ता, प्रतीक बारसागडे, साई अर्गेलवार व कार्यकर्ते उपस्थित होते. आजपर्यंत सुधीरभाऊंनी महाराष्ट्र राज्य सरकारद्वारे परिसरात अभूतपूर्व असा विकास केला आहे. आता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून यापेक्षा मोठा विकास होईल अशी चर्चा उपस्थितांमध्ये होती. यावेळी भाजप ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष हरीश शर्मा म्हणाले, आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के लिए अपने 72 उम्मीदवारों की लिस्ट जाहिर की, जिसमें चंद्रपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के वन सांस्कृतिक एवं मत्स्य व्यवसाय मंत्री विकास पुरुष, हम सबके मार्गदर्शक नेता आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी का नाम सम्मिलित था. जैसे ही ये लिस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर प्रकाशित हुई, चंद्रपुर के अंदर में नागरिकों में और कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई. मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरी शक्ति के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा और पूरे महाराष्ट्र में चंद्रपुर लोकसभा सीट हम लोग सर्वाधिक मतों के साथ जीतेंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं.